सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो सारे ऑपरेशंस तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इन शॉर्ट सारे ऑपरेटर्स तो आप अप्लाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया है जो ऑपरेटर्स आपके लिए अवेलेबल है स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आप लूप्स चला सकते हो और मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, इन एंड नॉट इन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन मॉड्यूलस बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ दो ही ऑपरेटर्स यूज कर पाते हो, एक होता है प्लस जिसको आप कॉन्कैटिनेशन बोलते हो स्ट्रिंग्स में, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं दोनों का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप दो स्ट्रिंग्स को प्लस के बेसिस पे एड कर सकते हो, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को आप एड कर सकते हो एंड द आउटपुट वुड बी दिस। इसको हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में भी आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, सो प्लस ऑपरेटर का मतलब यू कैन एड टू स्ट्रिंग्स। ओके, आप चाहो तो बीच में एक और प्लस लगा सकते हो लाइक दिस, और यहाँ पे स्पेस दे सकते हो या फिर हाइफन दे सकते हो एंड इट वुड बी एडेड। कितने भी प्लस ऑपरेटर्स आप लगा के कितने भी स्ट्रिंग्स को आप जोड़ सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप आगे जब एप्लीकेशंस बिल्ड करोगे आप नोटिस करोगे कि वहां पे छोटे छोटे जगहों पे आपको कॉन्कैटिनेशन करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन। सो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हो लाइक दिस, और जब भी आप ऐसा करोगे आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो ये इस तरह के पैटर्न जनरेट करने में काम आता है। आप ये भी कर सकते थे। अब ऑब्वियसली ये उतना यूजफुल नहीं है, बट अगर आपको इस तरह के पैटर्न्स कभी जनरेट करने हो फॉर्मेटिंग करने के लिए, वहां पे आप स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, डिविजन सब्ट्रैक्शन ये सब काम नहीं करता, आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स से हमारे पास हेलो है और इक्वल टू वर्ल्ड है, इट विल ऑब्वियसली गिव यू फॉल्स बिकॉज ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव हेलो नॉट इक्वल टू वर्ल्ड, ये ट्रू देगा बिकॉज दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं जब आप ये यूज करते हो। लेट मी शो यू, मुंबई ग्रेटर देन पुणे। अब आपको सोचना है कि क्या आउटपुट आएगा, द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप लेंथ के टर्म्स में सोचो तो मुंबई का लेंथ ज्यादा बड़ा है, पुणे का लेंथ कम है, तो फिर टू आना चाहिए था, बट फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कंपेरिजन हो रहा है ये लेक्सियोग्राफिकली हो रहा है। लेक्सियोग्राफिकली का मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास एक डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो उसमें इन दोनों में से कौन सा वर्ड पहले आएगा। ऑब्वियसली पहले जो वर्ड आएगा वो मुंबई है क्योंकि वो एम से स्टार्ट होता है, पुणे बाद में आएगा क्योंकि वो पी से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना, डिक्शनरी में जो वर्ड बाद में आएगा वो बड़ा होगा और जो वर्ड पहले आएगा वो छोटा होगा। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अगर आप लिखते गोवा लेस देन कोलकाता तो सोचो क्या आता, द आंसर इज ट्रू क्योंकि कोलकाता डिक्शनरी के अंदर बाद में आएगा, गोवा से बाद में आएगा, तो कोलकाता बड़ा है गोवा से। सो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स बेसिकली लेक्सियोग्राफिकल कंपैरिजन। ठीक है, जो चीज पहले आएगी डिक्शनरी में वो छोटी होगी और जो चीज बाद में आएगी वो बड़ी होगी। ठीक है, एक चीज और, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में, तो ये फॉल्स है क्योंकि स्मॉल लेटर्स बाद में आते हैं, कैपिटल लेटर्स पहले आते हैं, तो पहले आता है जो चीज वो छोटा होता है, तो इसलिए ये रिलेशनशिप भी फॉल्स हो गया। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया, यहाँ पे कुछ खास ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लॉजिकल ऑपरेशन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो अगर आपने कभी ये कोड लिखा हेलो एंड वर्ल्ड और आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा वर्ल्ड। अब आप सोचते रह जाओगे कि ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी आप स्ट्रिंग्स के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हो एंड और नॉट ऑपरेटर्स, तो याद रखना कि एम्प्टी स्ट्रिंग को पाइथन फॉल्स बोलता है
और कोई भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को पाइथन ट्रू बोलता है। जैसे आपको ये नॉलेज हो जाएगा उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। देखो एक बार ट्राई करते हैं। एंड हेलो, नाउ यू हैव टू थिंक आउटपुट क्या होगा। देखो दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, तो कभी भी ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, दैट इज वाई दिस इज द आंसर। ठीक है, अब एक और ट्राई करते हैं। अब यहां पे हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो दिस इज फॉल्स एज इन जीरो एंड दिस इज वन, तो वन एंड जीरो क्या होता है, वन, तो यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखो हेलो और वर्ल्ड, तो अब सिंस ये वन पहले से ही है तो वन ही आना था, तो इसलिए हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जब आप ये सेम लॉजिक लगाओगे एंड के ऊपर, तो इसके वन होने पे आपको श्योरिटी मिलता है कि आंसर वन होगा, दैट इज वाई आपका आंसर विल बी वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप लिखोगे नॉट हेलो या कोई भी स्ट्रिंग तो आपको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू का उल्टा फॉल्स होता है। तो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग का उल्टा एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, और एम्प्टी स्ट्रिंग इंटरनली क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को प्रिंट करो तो भी आपको सेम ही चीज मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग के आगे नॉट लगा दो तो आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ जगहों पे आपको ये इम्प्लीमेंटेशन मिलता है कि इस तरह का कोड किसी ने लिखा होता है और फिर समझ में नहीं आता। बस आपको एक सिंपल फंडामेंटल चीज याद रखनी है कि पाइथन एम्प्टी स्ट्रिंग्स को फॉल्स बताता है और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स को ट्रू बताता है। जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी उसके बाद आप इसमें फंसोगे नहीं। ठीक है, या द नेक्स्ट टू ऑपरेटर्स आर लूप्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मैं आपको जल्दी से लूप चला के दिखाता हूँ। जैसे कि लेट्स से सी है हेलो वर्ल्ड, तो आप क्या कर सकते हो, आप लूप चला सकते हो फॉर आई इन सी प्रिंट आई। अब हर बार क्या होगा, आपका लूप एक एक कैरेक्टर को पकड़ के आइट्रेट करने लग जाएगा जब तक कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, और एक एक करके ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत सारा और स्प्लिटिंग स्लाइसिंग वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला नहीं भाई मुझे 2 से लेके 7 तक ही चाहिए, तो अब ये प्रिंट होगा। आपने बोला नहीं मुझे एक एक के जंप पे चाहिए, तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो जो भी आपने पहले पढ़ा था स्लाइसिंग में, वो सेम चीज को आप लूप के ऊपर अप्लाई करके अपने हिसाब से कस्टम लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। अगर आपने यहाँ पे लिखा होता कोलोन कोलोन -1 तो उल्टा प्रिंट होता पूरा का पूरा स्ट्रिंग। ठीक है, आपके ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो लूप्स आप चला सकते हो बिंदास। ओके, द लास्ट थिंग इज मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन। ठीक है, सो अगर मेरे पास सी है तो आई कैन एक्चुअली चेक एच इन सी ट्रू, कैपिटल एच इन सी फॉल्स, वर्ल्ड नॉट इन सी फॉल्स। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है, आप स्ट्रिंग के ऊपर एकदम आराम से उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए सारे ऑपरेटर्स जो आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग्स के ऊपर। और अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग के ऊपर जो भी फंक्शंस अवेलेबल है।